हेलो गाइस, मेरा नाम है राकेश और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे COC अनफेयर कर रहा है। COC या मेंटल हो गया या पागल हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ हो तो गया है जो ऐसे ऐसे वार दे रहा है। पिछला वार लोग हम अगर अपना देखें तो हमारा स्ट्राइक रेट कुछ अच्छा है, लेकिन ये देखिए जरा ये इस वाले को लेवल 10 इंडियन वॉरियर लेवल 10 का गलान, फिर उसके बाद पीछे हुआ ठीक था, लेकिन फिर दे दिया उसने हमें एक लेवल 12 का वार। ये जो लेवल 12 का वार था ये बहुत हार्ड था हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमने इसे आसानी से जीत लिया भाई 88 स्टार। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वार भी फिर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 TH10, हमारे पास 2 TH10 और उनके पास 2 TH10 था। लेकिन इस बार जो वार दिया है इसे नाइंसाफी नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर जब 2 TH10 है, एक है ये और दूसरा है ये। देखिए मैं आपको इनका बेस दिखा देता हूँ। देखिए ये है हमारा नंबर 1 वाला और ये है हमारा नंबर 2 वाला। देखिए आप जैसा देख सकते हैं हमारे किंग क्वीन 30 भी नहीं है, लेकिन ओपोनेंट के अगर हम ओपोनेंट में जाए तो फिर देख सकते हैं ओपोनेंट में 11 है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये शायद मैक्स नहीं होगा या फिर ट्रूप बेस होगा या रस्ट बेस होगा, जो भी हो डिफेंस ज़्यादा मैक्स नहीं होगा, लेकिन आपका ये सोचना गलत बात है। आप जब इसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन पानी में है। देखिए ज़रा इस बेस को, देखिए ज़रा क्या बचा है अपग्रेड करने, आप हमें बता सकते हैं। देखिए 45-45 के किंग क्वीन, 20 का वार्डन, ऑलमोस्ट वाल को छोड़ के शायद बाकी सब मैक्स है। देखिए इसने एलिगजर ईगल आर्टरी को भी लेवल 2 कर चुका है और कुछ भी नहीं है शायद अपग्रेड करने के लिए। इस रेस को हमारा TH10 कैसे मार सकता है आप ही बताइए। ये इन्फर्नो बीन्स के लेवल 4 के दोनों हैं, ऑलमोस्ट सब सब मैक्स ही है, ऑलमोस्ट कोई बात ही नहीं है। और उनका नंबर 2 मानता हूँ, उनका नंबर 2 लेवल 10 है, बट कुछ खास नहीं है। लेवल 3 भी कुछ खास नहीं है, लेकिन असल बात तो दोस्त इसका बात है लेवल 7 में। जब आप ओपोनेंट के साथ में जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्लान किस टाइप का है। देखिए जरा इसको, ये देखिए ये एक ट्रू बेस है, यहाँ पर उसके 4 मैक्स टेस्ला है, इस जगह पे 4 मैक्स टेस्ला है। फिर ये देखिए दोस्तों 45-45 के किंग क्वीन, 20 का वारियर, ये नंबर 7 वाला है। और देखिए दोस्तों ये एक चलेगा, ओके 7 हो गए, लेकिन आपका ये सोचना गलत है कि 2 ही 7 है। और थोड़ा देर रुकिए मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये भी उसी टाइप का एक बेस है। ये देखिए इसका क्वीन किंग 28-27 है और वार्डन लेवल 4 का है, ये भी वो एक ट्रूप बेस है, इसके भी मैक्स टेस्ला हैं। अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि इतने ही है तो आपका सोचना गलत है, ये तो उससे भी ज़्यादा है। अब ज़रा देखिए इस वाले को, ये है उनका 18 वाला जबकि TH10 है। देख सकते हैं आप जैसे 18 और 17 के दो दो किंग क्वीन हैं। फिर और एक TH10, ये भी एक ट्रूप बेस है। देखिए दोस्तों ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर लिखा है नंबर 1, उस प्लेयर का नाम है नंबर 1। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी प्लेयर के एक नहीं अनगिनत अकाउंट है। जरा इसके बाद देखिए, ये देखिए दोस्तों ये है नंबर 5। देखिए ये भी डिटो सेम बेस है, कुछ चेंज नहीं किया है। ये देखिए दोस्तों ये है नंबर 2, ये भी डिटो वही वैसे, कुछ चेंज नहीं किया है। ये है उसका नंबर 3, बेस थोड़ा चेंज है बट अकाउंट सेम है, ये भी उसी का है। नंबर 6 दोस्तों देखिए, यहाँ इसके यहाँ पर भी विन 16-19 का किंग क्वीन। ये देखिए नंबर 8 आ गया अब उसका, 19 और 70 की किंग क्वीन। फिर देखिए नंबर 4 आ गया, अब आप ही बोलिए ये क्या है, ये एक फेयर वर है या नहीं। इन्होंने हमारे क्लान के ऑलमोस्ट ऊपर वाले को सब
क्लियर कर दिए, लास्ट का 30 नंबर वाला भी हमें क्लियर करके चला गया, तो फिर हम इस क्लांग को क्या बोलेंगे उनका। देखिए आप जैसे देख सकते हैं उनके दोस्तों, गौर कीजिए उनके साथ ने जो कि TH11 था हमने दिखाया था, उसने हमारे 3 और 4 को क्लियर कर दिए। फिर उसके उसके क्लांग के 13 ने 97% डैमेज किया बट 1 स्टार। फिर उनका 13, फिर उनका 25, ये देखिए 19 ने मारा 8 को, 22 ने मारा 9 को, 10 ने मारा 13 को, ये क्या है वो दोस्तों। लेकिन फिर भी हमारा क्लान उन उनका ये अकाउंट तो किना किना खरीदा हुआ लगता है, क्योंकि एक TH11 में एक अकाउंट कोई भी TH10 वाले को ऐसे नहीं मारेगा जैसे इसने मारा है। आप ज़रा देखिए ये क्या अटैक है। दोस्तों आप जैसे देखते हैं ये इस एडी को तोड़ना चाहता है, इसीलिए उसने किंग और क्वीन दोनों छोड़ दिए। और इसने तोड़ भी दिया 45 का क्वीन, क्या जबरदस्त मार रहा है आप ही देख सकते हैं। अब ये लावाउंड छोड़ने वाला है। देखिए दोस्तों जैसा कि इसने पहले एक लाभ CC क्लियर नहीं किया और फिर स्ट्रेट अटैक कर दिया, पहले उसे CC क्लियर करना चाहिए था लेकिन उसने वो नहीं किया। ये शायद अपने आप को एक्सपर्ट समझता है या फिर ये फिर एक लल्लू है, जो भी हो। देखिए CC क्लियर नहीं किया और सारे ट्रूप छोड़ दिए, इसे हम क्या कहेंगे, TH11 वाला अकाउंट या TH10 वाला या TH9 भी इससे अच्छा अटैक करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने फिर स्पेल उस जगह यूज़ किया कि जहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, और CC तो दूर की बात है, ये CC ने छुआ भी नहीं इसने। आप देखिए ये इतना मैक्स अकाउंट हो तो इसके पास पॉइजन है अभी भी, लेकिन ये पॉइजन यूज ही नहीं कर लिया, शायद इसको CC क्लियर करने की ज़रूरत नहीं। देखिए अभी इसने यूज़ किया जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताई हो क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो इसका भगवान ही मालिक है ऑलमोस्ट। उसने उसके मिनियंस हैं इसीलिए शायद 70% से ऊपर आ गया, नहीं तो ये 70% भी नहीं होता अगर उसके पास मिनियंस नहीं होते। और वो भी देखो दोस्तों लेवल 7 के मैक्स मिनियन है, लेवल 7 के मैक्स, फिर भी सारे जिन ट्रूप मैक्स है लेकिन फिर भी 1 स्टार, इसे हम क्या कहेंगे। अब जरा दोस्तों आप गौर फरमाइए कि हमारा हेटा हमारे नंबर 1 ने भी इसको अटैक किया है और नंबर 2 ने भी। नंबर 1 ने 56% अटैक करके उठाया था जबकि नंबर 2 ने 60%। और देखिए आप हमारा नंबर 2 का अटैक जो है द बीस्ट देव के अकाउंट से, जिसे हम सब जानते हैं देवजीत के नाम से। देखिए वार्डन अपना काम कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन वार्डन का कोई ज़्यादा काम नहीं है शायद, हमें तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। लेकिन दोस्तों अगर ईगल आर्टरी मैक्स लेवल का नहीं होता ये शायद ज़्यादा परसेंटेज भी और उठा सकते थे हम, लेकिन ईगल आर्टरी मैक्स लेवल के होने की वजह से हम नहीं उठा पाए। देखिए ईगल आर्टरी एक्टिव हो गया, वो शुरू हो गया है। यहाँ पर एक कॉमेडी देखी दोस्तों, यहाँ पर कुछ 2 भाल्क अंदर गए जंप स्पेल के मदद से, फिर बाहर आ गए और फिर अंदर चले गए, ये क्या कहेंगे। वो अंदर गया बाहर आया अंदर गया, ये क्या अटैक है। अटैक तो अच्छा है दोस्तों लेकिन ये भाल का कोई आजकल भरोसा नहीं है, कहीं भी चले जाते हैं। और मैक्स इन्फोनो की तो बात क्या कहूँ, उसने अकेले ही आधे भाल को मार डाला। इस तरफ ज़्यादा ये है तो बॉलर है इसीलिए ज़्यादा ट्रैक्टर रुक सका है। अब ईगल आर्टरी अपना जो दिखा रहा है आर्चर क्वीन पर, अकेला आर्चर क्वीन और ईगल आर्टरी। दोस्तों आर्चर क्वीन लॉस ऑलमोस्ट गया और ये एक बॉलर यहाँ पर है और विजार्ड आ गया, ईगल आर्टरी का पावर ऑलमोस्ट फिनिश, ऑलमोस्ट नहीं दोस्तों पूरा फिनिश। देखिए दोस्तों
और यहाँ पर एक आर्चर अभी भी है, लगे रहो दोस्त लगे रहो। और शहीद, ये तो आज शहीद के अकाउंट में जाएगा। दोस्तों आप जैसे देखते हैं कि TH10 ने, जो कि मैक्स भी नहीं है, उसने TH11 को मार के 60% विथ 1 स्टार अटेम्प्ट किए, लेकिन जो 11 मैक्स था उसने टोटल मैक्स होके भी जस्ट 73% किए हैं। और आज का बार ये हम जीत चुके हैं, क्योंकि उनका 85 है और हमारा 88, और उनके ऑलमोस्ट सारे अटैक बड़े बड़े ख़त्म हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके क्लान में एक और दो ने अटैक कर दिया है, दो वाला को अटैक नहीं आता, और 1, 2, 7 और फिर 18 से नीचे तक वही सारे अटैक कर सकते थे। लेकिन और बाकी के जो भी ऊपर है, उनका प्रोफाइल आप देखना चाहते हैं कि वो क्यों नहीं उठा सकता, तो ये देखिए उनका प्रोफाइल, ये कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके कोई कोई ट्रूफ ही नहीं है। लेवल 3 वाला भी कुछ नहीं कर सकता, लेवल 4 वाला भी, उसके पास कोई अच्छा ट्रूफ नहीं है। ये है लेकिन 1 स्टार से ज़्यादा नहीं उठा सकता हमारे मैक्स अकाउंट से। फिर ये वाला भी कुछ काम का नहीं, जो कहने को जाए तो फिर ये लेवल 3 कुछ नहीं कर सकता। जो कर सकता था 4 वाला, 2 वाला कर सकता था, सॉरी 2 वाला कर सकता था, लेकिन उसने एक अटैक किया था जो कि बेकार गया। तो फिर वी विन दिस वार डेफिनेटली। ओके दोस्तों, अगर अपना आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, नेक्स्ट टाइम और एक वीडियो लाऊंगा।